बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड, प्लेन जैसे नियम और बस जैसा किराया। रैपिडेक्स ट्रेन के बारे में जाने सब कुछ। भारत की पहली रैपिड रेल जल्द ही पटरी पर दौड़ने को तैयार। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से पर रैपिड रेल की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुआ। 21 अक्टूबर से आम जनता के लिए शुरू होगी रैपिडेक्स ट्रेन। उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर से ये आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बुधवार को कहा कि वह साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशनों को जोड़ने वाली एक रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो भारत में आरआरटीएस के शुभारंभ का प्रतीक है। आरआरटीएस दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। 5 स्टेशनों के बीच सर्विस, हर 15 मिनट में आएगी ट्रेन। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में 5 स्टेशन है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो प्राथमिकता खंड के उद्घाटन के एक दिन बाद 21 अक्टूबर की सुबह से यात्री सेवाएं शुरू हो जाएंगी। रैपिडेक्स ट्रेनें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चालू रहेंगी। ट्रेन में होंगे कुछ 6 कोच। प्रत्येक रैपिडेक्स ट्रेन में एक प्रीमियम कोच सहित कुल 6 कोच होंगे। हर ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और यह प्रीमियम कोच के बराबर वाला कोच होगा। कोचों में सीटों पर नंबर डाले गए हैं। अन्य कोचों में महिलाओं, विशेष रूप से विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ट्रेन में लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें बैठकर एवं खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल है। हर स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध हैं।